नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 से मैं हूं प्राची पांडे और आज तेज खबर 24 की टीम रीवा के बैजू धर्मशाला पहुंची है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में विवाह को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और हर तरह की रस्में जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं, चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, कन्यादान हो, सिंदूरदान हो, कोई भी रस्म हो, उसको बड़े ही प्यार से हमारे हिंदू संस्कृति में मनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि में अभी तक शिव जी की बारात बहुत ही सुंदर मनमोहक झांकियों के साथ निकाली जाती थी, लेकिन इस बार शिव जी की बारात में और महाशिवरात्रि में दो अलग चीजें की गई हैं, दो नई चीजें की गई हैं। उनमें ये है कि इस बार शिव और शक्ति की हल्दी और मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। आज उनकी हल्दी है तो आज हम लोगों से पूछेंगे और यहाँ जो महिलाएं हैं जानेंगे कि वो उनकी हल्दी का कैसे उत्साह मना रही हैं। और एक चीज और की गई है कि यहाँ पे पहली बार एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में प्रसाद की जो खिचड़ी है वो 5100 लोगों के लिए बनाई जा रही है, 5100 किलो बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 5000 लोग उसको ग्रहण करेंगे। ये दो चीजें नई की गई हैं तो आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया महाशिवरात्रि में किया गया है। लोगों से बात करने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। देखिए, शिवरात्रि तो हर महीने आती है पर महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाई जाती है। चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि आज महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, शिव और शक्ति का विवाह हुआ था और शिव जी वैराग्य जीवन छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे, इसीलिए इस दिन को, महाशिवरात्रि के दिन को इसी तौर पर मनाया जाता है, शिव और शक्ति के मिलन के तौर पर। तो चलिए अब हम आपको यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ की जो मनमोहक सुंदरता है, जो हल्दी की रस्म हो रही है, मेहंदी की रस्म हो रही है, वो हम आपको सीधे तेज खबर 24 से सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए लोगों से बात करते हैं। ये बहुत बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये बहुत ही पुण्य का काम है, शिव जी और पार्वती जी का विवाह कराना और इतने अच्छे से पूरे विधि विधान से हो रहा है। बहुत बहुत गुप्ता जी और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हल्दी है, इससे पहले कभी नहीं हुई, ऐसा सुनने में आया कि मतलब पहली बार शिव बारात बस पहले निकाली जाती है लेकिन आज हल्दी का और बाकी चीज़ों का कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की शादी देख रहे हैं जो हम सिर्फ सुनते थे। नहीं, बहुत इंजॉय कर रहे, इतनी अच्छी लेडीज सब यहाँ पे सब आई हुई हैं, सब कोई येलो पहना है, हल्दी का थीम मैच कर रहा है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और बहुत अच्छा अद्भुत कार्यक्रम है ये। और कुछ अलग कार्यक्रम रखे गए हैं शिव बारात और महाशिवरात्रि को लेके? शिव जी और उनकी शादी विवाह कल है उनका, पार्वती जी का, तो हम लोग पूरा सब देखेंगे, शादी विवाह सब देखेंगे, मजे करेंगे, भगवान के बंधन को देखेंगे। और लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगी? यही कि अच्छे काम करिए, भगवान में भरोसा रखिए, देखिए सब अच्छा ही होता है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है मैम आपका? आई यूज्ड टू राइट डॉक्टर जया सिंह। मैम यहाँ पे कौन सा फंक्शन चल रहा है? इट्स अ फंक्शन ऑफ शिव पार्वती हल्दी प्रोग्राम एंड मेहंदी ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट। एज यू ऑल नो दैट आफ्टर टू डेज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट शिवरात्रि फंक्शन, सो ऑन दैट ओकेजन ओनली वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट हल्दी एज वेल एज मेहंदी सेरेमनी हियर। तो जैसा कि पता है कि रीवा में ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है पहली बार हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको?
इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, एक्चुअली वी आर डूइंग, पहले भी हमने किया हुआ है, वी वर डूइंग दिस, बट वो अलग अलग हो रहा था. इट इज अवर एक्चुअली द बेस्ट थिंग इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन कि हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इस बार सब धर्म के लोग इकट्ठा मिलकर सेलिब्रेट करें. इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग, इट इज फॉर द मेनी टाइम वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी दिस. अभी हमने फर्स्ट टाइम किया है सबके साथ, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग आई एम हैविंग राइट नाउ विद दिस पर्टिकुलर. थैंक यू मैम. मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना सिंह है. यहाँ पे किस कार्यक्रम में आई हैं आप? मैं यहाँ भोलेनाथ की हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम है, और यहाँ आकर के तो ऐसे एकदम अमेजिंग, इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा है, पहली बार, और बहुत अच्छा लगा. कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा. यहाँ पे जो महाप्रसाद खिचड़ी का भी इस बार ये है कि 5,000 लोगों के लिए बन रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए जितना हम, मतलब ये तो पहली बार इतना ज़्यादा, इतना बृहद रूप से भोलेनाथ की बारात, शादी का सब कुछ कार्यक्रम अरेंज हो रहा है, और जितना जिन लोगों से हो सके तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें सहयोग करें और उस हिस्सा लें. आगे का क्या कैसा कार्यक्रम रखा गया है? आगे का आज हल्दी मेहंदी होगी, और 18 तारीख को भगवान भोलेनाथ की बारात निकलेगी, जो कि बहुत अमेजिंग, सबको देखने लायक होना चाहिए. लगभग कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में बहुत हैं, पर 200-300 से तो प्लस ही हैं, 300 प्लस हैं. क्या नाम है मैम आपका? राजकुमारी अग्रवाल. यहाँ पे कौन सी रस्में हो रही हैं? यहाँ पर मेहंदी और हल्दी की रस्में हो रही हैं. तो कैसा लग रहा है आपको, सब एक साथ, जितनी भी महिलाएं हैं सब एक साथ इस पर्व को मना रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. आदमियों की तो हमेशा देखते हैं, लेकिन भगवान भोले शंकर की, माता पार्वती की पहली बार देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है. इसके बाद यहाँ पे क्या और क्या कोई रस्में हैं जो अभी होने वाली हैं इसके अलावा? मुझे जानकारी नहीं है अभी, अभी हम पहली बार आए हैं. तो यहाँ पे और आप किसके साथ आई हैं? हमारी देवरानी लोग हैं. पूरी फैमिली आई है सब एंजॉय करने के लिए? हाँ, एंजॉय करने के लिए आए हैं. और कुछ बोलना चाहेगी महाशिवरात्रि के पर्व पे, इतना बड़ा पर्व है? पर्व तो बहुत बड़ा है, हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन अभी अपने में मनाते थे, अभी ये सब बृहद होने लगा ये और अच्छा लगता है. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश द्विवेदी है. क्या कुछ नया प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव, और पिछली वर्ष की भांति जो इस बार नया है, पहले हम जैसे भजन शिव बारात होती थी तो उसमें भजनों को प्रस्तुत करते थे, लेकिन इस बार भगवान शंकर की हल्दी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बड़े सौभाग्य की बात है, और ये अभी अपने रीवा में पहली बार हो रहा है. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. बहुत अच्छा. भजन गायक हैं? बिल्कुल. एक भजन सुनाइए शिव जी का. शिव जी का भजन है, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं. भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं. हर हर महादेव. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. क्या नाम है सर आपका? ब्रिजेश शुक्ला. आप भी यहाँ पे संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित हैं? जी बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ का आज हल्दी का कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक नॉर्मल इंसान की हल्दी होती है, लेकिन आज साक्षात हमारे महादेव का हल्दी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है. कुछ नया महाशिवरात्रि में भी आप लोगों के भजन संध्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, 18 को हमारा दिन में भी महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है, और रात में भी जागरण का कार्यक्रम है, क्योंकि ऐसा अवसर साल में एक बार आता है, तो बाबा की कृपा से हम लोगों को ऐसा करने के लिए मिलता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है. कैसा लग रहा है? देख रहे हैं कि शिव भक्त कितने उत्साहित हैं आपके यहाँ, और जो हल्दी का कार्यक्रम है ये पहली बार, और मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही देखा है, अभी यहाँ ऐसे दूर दूर तक हल्दी का कार्यक्रम शिव जी का नहीं हुआ, केवल हमने जो देखी बारात का कार्यक्रम देखा, लेकिन हल्दी ये पहली बार यहाँ हो रही है हमारे रीवा में, और बड़े सौभाग्य की बात है. आमतौर पर जब कोई फैमिली फंक्शन होता है, किसी लड़के की लड़की की शादी होती है, तो हल्दी का प्रोग्राम रखा जाता है, लेकिन कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे रीवा के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, कि आज साक्षात महादेव का जो हल्दी का संस्कार है यहाँ पर किया जा रहा है. बोलिए बाबा महाकाल की जय हो. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. क्या नाम है मैम आपका? राशि सिंह.
यहाँ पे इतनी सारे रस्में हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मौका मिला है, लगता है कि यही बैठे रहे, जाने का मन नहीं हो रहा है। कितनी देर से आई आप और ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? मैं आधा घंटा पहले आई हूँ और ये कार्यक्रम लगभग 3:30 से शुरू हो गया है। तो कैसा लग रहा है आपको सारी महिलाएं एक साथ भगवान शिव और पार्वती माँ की हल्दी मेहंदी संगीत के रस्मों में आई हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है कि साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती बैठे हुए हैं, हम उनकी शादी में शामिल हो रहे हैं, हल्दी मेहंदी में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद मैम। क्या नाम है मैडम आपका? प्राची शुक्ला। कौन कौन सी रस्मों का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे? इसमें हल्दी मेहंदी संगीत तीनों का कार्यक्रम रखा गया है। ये शिव बारात का अपने पूरे रीवा का प्रोग्राम है, सब कोई मिलके एंजॉय कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, और रीवा में शायद पहली बार अभी हल्दी मेहंदी संगीत का प्रोग्राम रखा है मनीष भैया ने, और इसमें हमने सारे रीवा की मातृशक्ति को इन्वाइट किया है। क्या क्या और क्या क्या नया है इसमें? बस हल्दी मेहंदी संगीत ही अभी नया है, सब अपने रीवा के सभी महिलाओं को इसमें एकत्रित किया है। अब इसकी भीड़ तो सामने दिख ही रही है अपने सामने। लगभग कितनी महिलाएं शामिल है इस कार्यक्रम में? इसमें लगभग पूरा रीवा अपना शामिल है, इसमें तो काउंटिंग कुछ नहीं है, ये महादेव का कार्यक्रम है, हम सब का कार्यक्रम है, इसमें पर्सनली हमारा और आपका कार्यक्रम नहीं है ना। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हो जाए उतना गरिमामय हो सकता है कार्यक्रम। कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये तो 7:30 तक का टाइम रखा गया है, अब ये कितना देर तक खिंच सकता है इसका कोई वो नहीं है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस प्रकार से देखा आपने और सुना भी कि किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, यहाँ की महिलाएं कितनी ज़्यादा उत्सुक उत्साह में हैं इस हल्दी मेहंदी और संगीत के रस्मों को निभाने के लिए। और सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की यह रही कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही हैं, यहाँ पे पुरुषों को अनुमति नहीं है अंदर जाने की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विवाह के समय हल्दी के रस्मों का, संगीत के रस्मों का और मेहंदी के रस्मों का खूब आयोजन है। हम अपने निजी जीवन में भी इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ रीवा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाशिवरात्रि की जो रस्में हैं विवाह के, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की जो रस्में हैं उसमें भी इन सभी को शामिल किया गया है, और एक साथ रीवा की जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी आई हैं और यहाँ पे इन रस्मों को अच्छे से निभा रही हैं, उत्साह के साथ, उमंग के साथ।